Good morning, dear students. Hope you are doing well at your home and keeping yourself safe. Today we are going to start our next poem, our first poem of the literature book, that is The Sick Young Dragon. So let us read the poem first and I will explain you the different stanzas individually. So let's get started. What can I do? Young dragon cried. Although I have simply tried and tried, it doesn't matter how hard I blow, I cannot get my fire to go. अच्छा, now the young dragon, आपको नाम से ही पता चल रहा है that the dragon, young dragon is sick, means he is not well. So जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, बिल्कुल ड्रैगन को भी एक रियल ह्यूमन बींग की तरह ही कंपोज किया है पोएट ने थ्रू दिस पोएम. एंड व्हाट द ड्रैगन वॉज सेइंग दैट ही वॉज ट्राइंग कंटिन्यूसली बट ही कुड नॉट गेट हिज फायर बैक. वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से ब्लो कर रहा है. जैसे हम अंदर से अपनी हवा को मुँह के द्वारा बाहर निकालते हैं, वो इस तरीके से जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं तो हमारी हवा से क्या होती है, वो बुझ जाती है. तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लोइंग. जैसे हम बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं, हमारे मुंह से उसमें हवा डालते हैं तो वो फूल जाती है. उस तरीके से ड्रैगन कह रहा है कि वो मतलब बहुत परेशान है इस चीज़ से. ही क्राइड, जब काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो अपनी फायर को वापस नहीं ला सका तो वो रोने लगता है आउट ऑफ हिज वरी. ठीक है, परेशानी के कारण वो रोने लगता है. देन क्या होता है, व्हाट हैपन, उसकी मदर आती है. शी केम इनटू द सीन एंड शी सेड लाइक ओपन योर माउथ, हिज मदर सेड, इट्स नो वंडर योर थ्रोट्स नॉट रेड, योर स्केल्स आर कोल्ड, यू मस्ट बी इल. ठीक है, उसकी मम्मी आगे कहती है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले अपनी मदर के पास जाते हैं, वो हमें देखती हैं, चेक करती हैं, तो वो हमें फिर बताती हैं कि हमें क्या हुआ है. डॉक्टर से पहले हम मदर के पास जाते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही उसकी ड्रैगन की मदर आती है, कहती हैं जस्ट ओपन योर माउथ एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू. तुम्हारे ऐसे मतलब तुम्हारी आग क्यों नहीं आ रही है. लाइक हम सभी को पता है कि ड्रैगन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ही कैन ब्लो फायर फ्रॉम हिज माउथ. ठीक है, वो एक स्पेशल फीचर होता है जो कोई और एनिमल नहीं कर पाता है. वो अपने मुँह से क्या करता है, फायर ब्लो आउट करता है. मगर उसकी बीमारी के कारण, जैसे हम अगर हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं. तो वैसे ही ड्रैगन के साथ हो रहा है, उसकी बॉडी का ये फीचर काम नहीं कर रहा है. तो उसकी मम्मी कहती है कम एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू. देन शी फाउंड दैट कि उसका जो थ्रोट है वो रेड नहीं है, इसीलिए मतलब उसके स्केल्स जो हैं, मतलब उसके जो बॉडी के स्केल्स हैं, जो जैसे कांटे कांटेदार जो शरीर होता है ड्रैगन का, वो ठंडा पड़ गया है. मतलब उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है, उसकी गर्माहट चली गई है. तो इसीलिए क्या होता है, उसको मतलब उसकी फायर नहीं आ पा रही है मुँह से. ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है कि यू मस्ट बी इल, ज़रूर तुम बीमार हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. I think you must have caught a chill. The doctor came. He looked and said, you will need a day or two in bed. Your temperature's down. No doubt, that's the reason your fire gone out. उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर आते हैं एज यूजल. जैसे हम बीमार होते हैं then after that हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें डायग्नोस करते हैं. बिल्कुल वैसे ही जब ड्रैगन बीमार होता है, उसकी मम्मी कहती हैं लेट यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर. तो डॉक्टर घर पे आते हैं एंड ही चेक्ड एंड सेड कि तुम्हें मतलब ठंड लग गई है, यू मस्ट हैव कॉट अ चिल. ओके, चिल मतलब कोल्ड, चिल्ड. तो तुम्हें ठंड लग गई है और इसीलिए तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया है, तुम्हारे स्केल्स ठंडे पड़ गए हैं एंड नो डाउट इसीलिए तुम्हारा यही एक रीज़न है कि तुम्हारा फायर जो है वो गॉन आउट हो गया है, मतलब चला गया है. ठीक है, कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू टेक टू डेज बेड रेस्ट, मतलब यू नीड वन और टू डेज इन बेड, उसके बाद तुम एब्सोल्युटली फाइन हो जाओगे.
जस्ट ड्रिंक. अब जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोस करने के बाद कुछ मेडिसिन देता है, जस्ट द सेम डॉक्टर उसे भी कुछ मेडिसिन देते हैं. बट वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम इसीलिए कैप्सूल्स या टैबलेट्स खाते हैं. बट ही इज़ अ ड्रैगन, सो डॉक्टर उसे एक मतलब ड्रैगन के खाने लायक ही मेडिसिन देता है. तो लेट्स चेक कि डॉक्टर उसको क्या मेडिसिन देते. ही सेड दैट जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, च्यू दिस नेल्स, दे विल हेल्प यू टू वार्म अप योर स्केल्स, जस्ट टेक इट ईजी एंड वॉच टी वी एंड रिलैक्स. ओके, तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं कि ये पेट्रोल पीजिए एंड च्यू दिस नेल्स, ठीक है, ये नेल्स चबाइए एंड देन ये क्या करेगा, आपके स्केल्स को वार्म अप करेगा. ठीक है, वार्म अप करने से क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से अप होगा एंड देन इट विल हेल्प यू टू ब्लो आउट फायर अगेन. एंड कोई बात नहीं, जैसे हमें कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट बी रिलैक्स एंड वार्म अप योर सेल्फ, टेक इट ईजी एंड वॉच टी वी. यू विल सोन बी राइट एज रेन, यू विल सी यू योर यंग ड्रैगन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड सोन हिज स्केल्स स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड. ठीक है, जैसे ही बारिश के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुम भी बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके एंड फाइन हो जाओगे. और यंग ड्रैगन फिर वैसे ही करता है जैसे डॉक्टर उसे कहते हैं और जल्दी उसके स्केल्स कोल्ड फील करना बंद कर देते हैं. दे जस्ट स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड एनी मोर. ही स्नीज्ड सम स्पार्क्स, फिर वो जब छींकता है तो उसके छींक के साथ ही कुछ स्पार्क्स निकलते हैं उसके मुंह से, मतलब कुछ आग के लपेटे ऐसे निकलते हैं, जैसे हम स्पार्किंग होती है ना, कुछ चिंगारी सी जलती है, हल्की फुल्की आग निकलती है, वैसे उसके मुँह से स्पार्किंग होती है. हिज फेस ग्लोड ब्राइट, और इसी को देखकर उसका फेस ग्लो करता है कि नहीं अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स जो हैं बीमारी के वो जा रहे हैं और मैं वापस से पहले की तरफ वापस आ रहा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ, तो इसीलिए वो बहुत ब्राइट लगने लगता है. ही कॉट एंड सेट द शीट्स अलाइट, वो वापस से क्या करता है अपने मतलब अलाइट हो जाता है, बर्न करने लगता है चीज़ों को, मतलब वापस से लाइटन अप हो जाता है. ठीक है, ओ डियर ही क्राइड आई हैव बर्न द बेड, और वो जब ज़ोर से ब्लो करता है, वो काफ़ी दिनों से बेड पे लेटा हुआ था, ही वॉज इन बेड बिकॉज ही वॉज ऑन बेड रेस्ट, तो वो जब ब्लो करता है तो उसकी जो बेडशीट होती है उस पर आग लग जाती है और वो जल जाता है. तो वो कहता है ओ डियर देखो मैंने बेड जला दिया. ठीक है, तो वो उसको बिलीव ही नहीं होता कि उसके एक हल्की से छींक से ही उसकी जो बेडशीट है उसका अपर सरफेस जल जाता है. इट डजंट मैटर हिज मदर सेड, उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो जल गया उसे जलने दो, कोई बात नहीं तुम तो रिकवर हो गए हो ना, तुम तो ठीक हो गए हो, जो जल रहा है उसे जलने दो, अच्छी बात है, यही तो तुम्हारा ओरिजिनल फीचर है, यू आर बिहेविंग लाइक अ ड्रैगन अगेन, सो डजंट मैटर तुमने क्या जलाया, जो जल रहा है उसे जलने दो. दो शीट्स वर ओल्ड, गो आउट एंड प्ले, तो उसकी मम्मी उसे और मतलब समझाते हुए क्या कहती है कि वो शीट्स तो बेड शीट्स तो वो पुरानी हो गई थी, अच्छा वो जल गई, कोई बात नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी बेड शीट्स बिछा दूंगी. ठीक है, यू जस्ट गो आउट एंड प्ले एंड यू जस्ट वॉच दैट वेयर यू ब्रीद फायर टुडे, और तुम जाके इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो कि तुम कहाँ कहाँ आज फायर ब्लो करने वाले हो, मतलब ब्रीद आउट करने वाले हो, क्योंकि आई एम श्योर इतने दिनों से तुम नहीं कर पाए तो आज तो तुम काफ़ी जगह जलाने की कोशिश करोगे. तो यू जस्ट वॉच कि तुम ये मत देखो कि तुमने क्या जलाया, ये देखो कि तुम अब आगे और क्या जलाने वाले हो. सो दैट इज़ द पोएम अबाउट द यंग ड्रैगन. सो यू कैन सी दैट द पोएट रिलेटेड द ड्रैगन एज लाइक अ रियल ह्यूमन बींग. जैसे हम बीमार होते हैं, हमारी मदर फादर होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये ड्रैगन भी बच्चा था, यंग था, ही हैड हिज मदर, एंड उसके बाद ये जब बीमार होता है तो इसकी बॉडी फंक्शनिंग काम नहीं करती है प्रॉपरली, फिर ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इसके पास आता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद ये बेड रेस्ट लेता है, मेडिसिंस लेता है इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड नेल्स, एंड आफ्टर दैट ही फुल्ली रिकवर्ड. सो स्टूडेंट्स, होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड अंडरस्टूड द पोएम एंड एन्जॉयड इट थॉरली. आई विल बी बैक सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.